बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, याद रखिए। तो चाहते थे कि फूलपुर का पानी उस पूरे इलाके में आएगा। जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर सु पांव रहेगा। इस बिहार की लड़ाई लड़ी है। काल कल्याणा सिद्धांत और कार्यान्वयन में जो थोड़ी दूरी रह चुकी है, उसे मिटाने का वक्त आ चुका है। वक्त पहले भी आया, हाथ में शासन आया और किन्हीं कारणों से हाथ से निकलता ही गया। और जब भी कृषि पर जगदेव बाबू को मानने वाले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग बैठे, तो सुनारा कल्याणी भी किया। याद रख लीजिए, 90 का शासन आया, तो शायद याद मैं कराना चाहूंगा कि जगदेव बाबू को सबसे उनका मूल सिद्धांत था कि बिजली दो और खेत को पानी दो। और संक्षेप में बार बार कहते थे, खेत जब तक सूखा रहेगा इंसान भूखा रहेगा। बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, याद रखिए। वो चाहते थे कि फूलपुर का पानी उस पूरे इलाके में आएगा। उस दिन भी उनका प्रदर्शन इसी बात को लेकर चल रहा था। गोली मारी गई, लड़ाई तो सबकी लड़ रहे थे। खेत और पेट की लड़ाई से कोई भी अलग नहीं है। और मित्रों, दुनिया से भूख से संवर्षित कोई चीज नहीं है। जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर सु पांव रहेगा। आज पूरे देश को जगदेव बाबू को मानने वाले लोगों ने पेट भरने का काम कर रहे हैं। गांधी और लोहिया का ये देश जयप्रकाश का क्रांतिकारी आंदोलन, चौहत्तर का आंदोलन, और उसी 74 में शहादत ले ली गई जगदेव बाबू शताब्दी वर्ष, लेकिन केवल उम्र थी 52 साल की। उस क्रांतिकारी व्यक्तित्व के नेतृत्व में बहुत समाज को आगे लाना था। जो जो चला करीबों और दोनों की लड़ाई लड़ने, उसे सीने पर गोली खेलना ही पड़ा था। 74, 48, 49 साल होने को आए, दुनिया से उनके गए हुए, लेकिन जिन्होंने गोली मारी वो समझे कि जगदेव बाबू के शहादत के बाद न वो जिंदा रहेंगे न उनके क्रांतिकारी शब्द रहेंगे। लेकिन भूल गए इतिहास को, सब बीज की तरह इंसान के हृदय में जब जाता है तो एक दिन प्रफुटित होकर के फल देने लायक हो जाता है। तो दुनिया लोग इसे आज भी मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों से, क्रांति को दबाओ मत, क्रांति कभी दबती नहीं। अनेक बाजार वर्गों के द्वारा एक ही एक रास्ते अपनाए जा रहे हैं कि गांधी का देश, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद, और जो त्याग दिया है स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद जी, उसको कैसे उल्टी दिशा में ले जाया जाए। यहाँ बैठे हुए क्रांतिकारी साथियों, अभी सचमुच हृदय में हो ज्वाला जल रही हो, जिसे जलाने का काम समय समय पर आपकी सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक नेतृत्वकर्ता
और फिर शब्दों में लिखने वाले लोग और धरती पर जब मौके मिले तो कार्य के रूप में उतारने वाले लोग आपके सामने इतिहास हो रहा है। और वर्तमान के साथियों अभी इतिहास की धरोहर को 24 और 25 में आपने संभाल लिया तो सचिव के जगदीव बाबू का सपना पूरा हो रहा कि देश में आप सामाजिक क्रांति के हमारे जो अगुआ रहे हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि कर पाए अब तक उसके आगे भी करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा राष्ट्रीय जनता दल। दुनिया की कोई ताकत उसे रूप नहीं पाए इन्हीं शब्दों के साथ अभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं बातचीत समाप्त करता हूँ।